डी एस स्टूडेंट एज वी हैव डिस्कस अबाउट द रैंडम वर्क प्रोसेस नॉन स्टेशनरी प्रोसेस को हमने देखा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखी कि किस तरह आप डेटे को जब प्लाट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड है या नहीं है या सीरीज को नेक्स्ट आपने किस तरह डील करना है तो जिस वक्त हम डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड विद स्टेशनरी ए आर वन प्रोसेस की हम बात करते हैं तो उसको इकोनोमेटिक्स परस्पेक्टिव से जब आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दैन द प्रोसेस इज वेरी मच सिंपल कि आपके पास वही जो कंप्रीहेंसिव मॉडल है सीरीज की सारी करेक्टरिस्टिक्स जिसमें आ रही है यू हैव बीटा वन यू हैव बीटा टू यू हैव बीटा थ्री एंड इवन यू हैव द एरा टर्म और डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और उसमें द फर्स्ट कंडीशन इज इफ बीटा वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इट मीन्स देर इज़ अ ड्रिफ्ट बीटा टू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो इट मीन्स देर इज डिटर्मिनेस्टिक ट्रेंड और सीरीज कब स्टेशनरी होगी थर्ड कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बीटा थ्री शुड बी लेस देन वन अगर बीटा थ्री इज इक्वल टू वन होता है सीरीज नॉन स्टेशनरी हो जाएगी क्योंकि आपको जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द लाइक ए आर प्रोसेस कि आपने किस तरह जो रो की वैल्यू है या जिसको हमने यूनिट रूट में भी डिस्कस किया है कि अगर आपका जो वाई टी माइनस वन ए आर जो प्रोसेस है अगर उसकी क्वाफिशियन की वैल्यू इक्वल टू वन होता है इट मीन्स देर इज अट रूट और यूनिट रूट इज लाइक नॉन स्टेशनरी प्रोसेस को शो करती है कि सीरीज जो है वो नॉन स्टेशनरी है अगर जो कंडीशन लगाई है बीटा थ्री इज लेस देन वन अगर बीटा थ्री की वैल्यू लेस देन वन होगी इट मीन्स सीरीज इज स्टेशनरी और जो सीरीज स्टेशनरी होगी उसकी ये कंडीशन आपने अपने माइंड में रखनी होगी कि जो ए आर प्रोसेस है और वहाँ पे जो कॉफिशेंट की वैल्यू है या सिंपली हम जिसको कह रहे हैं दिस इज़ बीटा थ्री ठीक है और बीटा थ्री अगर सिर्फ बीटा थ्री लेस देन वन हो सीरीज स्टेशनरी हो जाएगी अगर उसमें डिटर्मिनेस्टिक ट्रेंड है तो आप इस टर्म को भी इंक्लूड करेंगे अगर उसमें कांस्टेंट है आप इस टर्म को भी दिस इज मॉडल अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ आप वाई टी एंड माइनस वन को इंक्लूड कर रहे हैं बट देर इज नो डिटर्मिनेस्टिक ट्रेंड देन आप एड कर देंगे बीटा टू इज इक्वल टू जीरो अगर आप उसमें देखते हैं ड्रिफ्ट भी नहीं है देन बीटा वन भी आपका इक्वल टू जीरो आ जाएगा एंड बीटा थ्री लेस देन वन हो देन अगेन सीरीज इज स्टेशनरी बट विदाउट ट्रेंड अगर उसमें बीटा टू की आपकी वैल्यू इक्वल टू जीरो नहीं है इट मीन्स सीरीज इज अगेन स्टेशनरी बट विद डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड तो आपने उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखनी होंगी कि स्टेशनरी हो गई है और वहाँ पे डिटर्मिनेस्टिक ट्रेंड है सीरीज स्टेशनरी हो गई है वहाँ पे कांस्टेंट है ड्रिफ्ट है या नहीं है तो इसलिए जब आप इसको स्टेशनरी प्रोसेस पे मूव करेंगे देन यू हैव टू पुट इन योर माइंड वेदर योर सीरीज इज लाइक इंक्लूडिंग द डिटर्मिनेस्टिक ट्रेंड एंड इंक्लूडिंग द ड्रिफ्ट आर नॉट ड्रिफ्ट तो उसकी बेस पे हम आगे मूव करेंगे कि किस तरह इन uh, जो सीरीज हैं या इन मॉडल में जो वेरिएबल्स इंक्लूड करने हैं ये कौन सा मॉडल इनके लिए सूटेबल होगा कि सीरीज स्टेशनरी बन गई है अब स्टेशनरी किस तरह बनी है वेदर आपने उसको डी ट्रेंडिंग किया है आपने उसका डिफरेंस लिया है आपने उसका एक डिफरेंस लिया है आपने उसका दो डिफरेंस लिए हैं उसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं